हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन Adda4iQ। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 12 तक, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए, इफ sec थीटा इक्वल टू 5/4 सो दैट sin थीटा - 2 cos थीटा / tan थीटा - cot थीटा इक्वल टू 2/7। इसको आपको इसके इक्वल लाना है, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, इसके द्वारा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल टू 5/4, तो sec थीटा किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि cos थीटा इसका अपोजिट हो गया a, a भी इसका अपोजिट हो जाएगा 4/5, तो आ गया b/h, है ना, b/h आ गया। अब हम क्या निकालना है, हम निकालना है p, तो p स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर - b स्क्वायर, ये होता फार्मूला। देखिए तो p स्क्वायर इक्वल टू आ गया h मेरा है 5, तो 5 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 25 - 16 तो आ गया 9, मतलब कि p स्क्वायर इक्वल टू 9, तो p इक्वल टू रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का 3 आ गया, ठीक। तो मेरा p आ गया, b आ गया, h आ गया, p कितना आया, p आया 3, b दिया था, h भी दिया हुआ था। अब देखिए sin थीटा निकालते हैं, इसमें sin cos tan cot है, तो sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है p/h, तो p/h मतलब कि 3/5। उसके बाद क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा तो हम यहां निकाल चुके हैं। उसके बाद क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। उसके बाद क्या है, cot थीटा, तो cot थीटा निकालते हैं, तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan का अपोजिट, मतलब कि 4/3। अब देखिए इसी का वैल्यू जो हम लोग यहां पे निकाले हैं वो इसमें पुट कर देंगे। देखिए तो sin थीटा 3/5 - 2 मल्टीप्लाई cos थीटा का वैल्यू आ गया 4/5 डिवाइड tan थीटा का 3/4 माइनस cot थीटा का 4/3, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब अगर ऐसे नहीं समझ में आता है डिवीजन वाला, तो ऐसे समझ लेते हैं, 3/5 माइनस 4 × 8 मतलब 8/5, ये हो गया डिवाइड, ये तो आता होगा ना, बचपन में पढ़ेंगे डिवीजन, ऐसे समझ लेंगे 3/4 माइनस 4/3, ठीक है, क्लियर। आप देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 5 आ गया, ठीक है, तो आ गया 3 - 8, ठीक, डिवाइड, इसका एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 9 - 3 = 4 = 12 और 4 × 4 = 16। आप देखिए आ गया -5/5 डिवाइड, ठीक है, लेकिन आ गया -7/12, ठीक। अब देखिए अगला स्टेप, -5/5 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिजिट चेंज हो जाएगा, -12/7, ठीक है, ये 5/5 कैंसिल, ठीक, ये -- हो जाएगा प्लस, -+ तो क्या आ गया 12/7, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना था ना, ये शो करना था ना 12/7, देखिए हो गया, आ गया, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14, इफ cot थीटा इक्वल टू 3/4 सो दैट होल स्क्वायर रूट ऑफ sec थीटा - cosec थीटा / sec थीटा + cosec थीटा इक्वल टू 1/7, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू आपको लाना है इसके इक्वल, इसके बराबर, ठीक है, मतलब इसके थ्रू आपको लाना है, ठीक है, इसके बराबर इसका वैल्यू। देखिए कैसे लाते हैं, तो उसमें क्या-क्या पूछ रहा है, sec थीटा एंड cosec थीटा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 3/4 यही दिया हुआ है। देखिए तो cot थीटा किसका अपोजिट है, tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल टू a, इसका अपोजिट हो गया तो ये भी अपोजिट हो जाएगा 4/3, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/b, है ना, तो p/b आपका दिया हुआ, गिवन है, तो h निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू होता है p² + b² यही होता है, तो p² मतलब 4² + 3² है ना, तो ये आ जाएगा 16 + 9,
h square equal to 16 plus 9, so h square equal to 25. So h equal to root under 25, मतलब कि 5 आपका आ गया h का वैल्यू, ठीक है? तो h भी आ गया, p भी आ गया, b भी आ गया। h कितना आया? h हम लोग लाए 5, p दिया हुआ था और b भी दिया हुआ था। उसमें क्या पूछ रहा है? उसमें पूछ रहा है sec थीटा और cos थीटा। तो sec थीटा equal to sec थीटा cos थीटा का पॉइंट है, तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा का होता है b / h, तो इसका हो जाएगा h / b, तो h / b मतलब 5/3, ठीक है? यही आएगा। अगला है cos थीटा, तो cos थीटा किसका पॉइंट है? sin का, तो sin का होता है p / h, तो इसका हो जाएगा h / p, ठीक है? h by p हो गया, तो h मेरा 5 है और p मेरा 4 है ना? sec थीटा cos थीटा दोनों का वैल्यू आ गया। अब दोनों का वैल्यू आ गया तो इसमें पुट कर देंगे, तो देखिए sec थीटा का वैल्यू कितना है? 5/3 माइनस cos का 5/4 बटा 5/3 प्लस 5/4, है ना? देखिए तो उसके बाद हम बताए थे इसको डिवीजन में चेंज कर देंगे, 5/3 5/4 डिवाइड। अगर ये नहीं समझ में आता, इसमें डाउट हो जाता है किसको काटना है किसको नहीं कट करना है, तो इस ढंग से डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है? तो 5/3 प्लस 5/4 इसे क्लियर रहेगा, इसमें कोई डाउट कोई शंका नहीं, ठीक है? एलसीएम लिए, आ गया 12 आपका, 3 4 12, 5 4 20 माइनस 4 3 12, 5 3 15, ठीक है? डिवाइड इसका एलसीएम, इसका 12 आया, 3 4 12, 5 4 20 प्लस 4 3 12, 5 3 15, ठीक है? क्लियर? अब देखिए 12 में से 15 गया तो आ गया आपका 5/12 डिवाइड, ये दोनों ऐड हो गया तो आ गया 35/12, ठीक है? क्लियर? अब देखिए डिवीजन देते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, यही रूल है ना? ये कैंसिल, ये आ गया 7, ठीक है? तो क्या आ गया मेरा? बोला स्क्वायर रूट ऑफ 1/7, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 आ जाएगा आपका बाहर, ठीक है? 1 आ गया बाहर तो क्या बचा? रूट 7 का, रूट 7 लिख दी। देखिए आ गया नहीं वैल्यू, ठीक है? यही आपको शो करना था ना, इसका वैल्यू लाना था ना, आ गया ना? हो गया क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? इफ sin थीटा इक्वल टू 3/4 सो दैट होल स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू रूट 7/3, को डायरेक्ट मतलब कि cos का वैल्यू निकाल के cot का वैल्यू निकाल के जो है पुट करें, ठीक है? पुट करके उसका वैल्यू निकालें तो ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन आपको बताते हैं शॉर्ट मेथड, शॉर्ट तरीका, आइडेंटिटीज जब हम पढ़ाएंगे ना तब इस फॉर्मूला को ज्यादा डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा देख लीजिए बस। 1 plus cot square theta equal to cos square theta, cot square theta को भेज देंगे राइट साइड, इधर 1 बचेगा सिर्फ, तो क्या आ जाएगा? cos square theta minus cot square theta, यही ना आएगा, ठीक है? देखिए ये इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, इसका वैल्यू 1 आ गया है ना, 1 आ गया, तो इसको डायरेक्ट यहां पर 1 लिख देंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 1, ठीक है? क्लियर? बाय। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला 1 हो गया, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वैसे भी हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब मैं इस फार्मूला का डीप में डिस्कशन करूंगा, कहां से आया कैसे आया और क्या क्या इस फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है? सो अभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? मैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो इसको डीप में पढ़ाऊंगा। एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? सेक स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को उस साइड भेजेंगे, राइट साइड भेज देंगे 1 को, तो क्या बचेगा? तो टेन स्क्वायर बचेगा, तो टेन स्क्वायर इसी तरफ छोड़ देते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना आ जाएगा? तो आ गया मेरा क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है? टेन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए
थोड़ा सा छोटा हो गया ना, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब सिर्फ मेरे को एक वैल्यू निकालना है, उस मेथड से बताते तो हमको तीन का वैल्यू निकालना था, बट अब मेरे को सिर्फ एक का वैल्यू निकालना, एक का बोले तो सिर्फ टैन का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो टैन का निकाल लीजिए, साइन का दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3/4, है ना, तो मतलब कि पी बाई एच दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 16 - 9, ठीक है, तो आगे कितना 7, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो बी इक्वल टू रूट अंडर 7, ठीक। तो टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है मेरा पी बाई बी, पी बाई बी, बी देखिए पहले था 3, अब बी अभी लाए रूट 7, ठीक है, रूट 7, ठीक है। आप देखिए बस इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1/10²θ, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू आ चुका है यहां पे, क्या आया 3/√7, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, है ना, इसका होल स्क्वायर किए तो क्या आ गया मेरा 1/3√7 का होल स्क्वायर, यही ना, यही लिखे हैं, आप देख कर देते हैं 1/3√9/√7 स्क्वायर कर एक दूसरे से तो बचेगा 7, ठीक है। अब देखिए डिवाइड दिए तो क्या आ गया 1 × 7 ऊपर चला गया, 9 आपका नीचे चला गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया √7/9, ठीक है, ठीक। तो 7 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, मतलब रूट में आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो ये मेरा आ गया 3, ठीक है। आगे देखिए अगर फार्मूला हमको याद रहेगा, फार्मूला मैं बताऊंगा आइडेंटिटी जब पढ़ाऊंगा तो फार्मूला मैं बताऊंगा, डीप में बताऊंगा, सारा फार्मूला बता दूंगा उसमें, ठीक है, एक भी फार्मूला मैं बचने नहीं दूंगा, सारा फार्मूला मैं उसमें आपको डीप से बता दूंगा, ठीक है। तो इसलिए फार्मूला वाला वीडियो देखने के लिए और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।